और बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज करीब 10 बजे आरोपियों की पेशी कराई गई, सीजीएम आवास पर यह पेशी करवाई गई है। सुरक्षा कारणों के चलते जज के आवास पर ही यह पेशी करवाई गई। अब इन सभी के सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस समय बहराइच की जिला जेल के सामने मौजूद आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिजलों में, जो बहराइच हिंसा कांड के आरोपी हैं, 5 आरोपियों को अब जिला जेल लाया गया है। इनको सीजीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। आप सामने में गाड़ी देख सकते हैं, इन गाड़ियों में तीनों आरोपी बैठे हुए हैं। इन 3 आरोपी ये हैं, 2 आरोपी और हैं जिनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो सरफराज तालिब, उन 5ों को यहाँ जिला जेल लाया गया है। तो पुलिस के द्वारा रिमांड की मांग नहीं की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि वहाँ पर सब साक्ष्य मौजूद हैं। अब बिजलू साफ तौर देख सकते हैं, दोनों वो आरोपी जो जा रहे हैं, जिनको मुठभेड़ गिरफ्तार किया था, वो अंदर जिला जेल को जा रहे हैं। अब देख सकते हैं, अब उनको 5ों को जिला जेल में अंदर भेज दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनके पास सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जो कत्ल का वेपन था वो उन्होंने बरामद कर लिया है। जांच के दौरान सभी पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिसको लेकर अब जो कोर्ट के द्वारा सीजीएम कोर्ट ने प्रतिभा चौधरी ने उनको जिला जेल भेजा है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, बहराइच।